खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और पोर्टल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। मधुरी हवाई अड्डे का विस्तार के लिए अभी और जमीन की आवश्यकता है। प्रथम चरण में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और द्वितीय चरण में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है। अभी एयरपोर्ट के लिए 71.35 एकड़ जमीन है, जबकि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए पहले चरण में 360 एकड़ और नौकरी चरण में 310 एकड़ कुल 670 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसके लिए आसपास के 7 गांव के किसानों की कीमती जमीन का अधिग्रहण करने की तैयारी चल रही है। रविवार को इस बात की जानकारी होने पर संबंधित गांव के लोग आक्रोशित हो गए और गदनपुर हिचरपट्टी गांव में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वो अपनी जमीन नहीं देंगे। जिन गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित करने की योजना है उसने गदनपुर हिचरपट्टी कुआं देवचंद पट्टी कंद्रापुर मधुबन बलदेव मंदुरी शांति सौरा गांव शामिल है। आक्रोशित गांव वालों ने बताया कि प्रशासन बगैर जमीन की पैमाइश किए ही अधिग्रहित करने के लिए नाप जोक कर रही है। हम लोग अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। बता दें कि मंदुरी हवाई अड्डे का निर्माण हो चुका है, यहां से उड़ान भरने की लोग बात जो रहे हैं। इस बीच करीब 15 दिन पूर्व सर्वे हुआ था जिसमें हवाई अड्डे का सीमा विस्तार करने के लिए और जमीन की आवश्यकता व्यक्त की गई थी, जिसके बाद से जमीन की नापी हो रही है। इस अवसर पर लालजीत क्रांतिकारी अरुण विजय रमाकांत गोविंद विकास शिव प्रसाद राय दीपक राय मुन्ना कुमार नरोत्तम यादव विजय कुमार प्रधान विजय यादव मूरत यादव पूर्व प्रधान राम लवट सर्वेश यादव गोलू लड्डू प्रजापति आदि लोग उपस्थित थे। शासन प्रशासन पहले हमारे ही हम मालिक हैं जमीन के, तो हम जब मालिक हैं तो हमसे क्यों नहीं पूछे लोग आप क्यों ना करके जमीन की नापैया कर रहे हैं। हम इनके ऊपर कंटेम करेंगे, कोर्ट जाएंगे, मुकदमा करेंगे अधिकारियों के खिलाफ। अच्छा कितने किसानों की जमीन यहाँ पे जा रही है और कितने गांव से? 700 किसान के लमसम जमीन जा रही है, उससे ज्यादा भी है। अभी सभी लोगों को पूछना, हम लोग सबका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, एक भी किसानों से अधिकारी कर्मचारी अभी तक नहीं मिले। आप बता रहे हैं पूछे हैं, गांव की भी जमीनें जा रहे हैं, आबादी की भी जमीन, घर भी उजाड़ रहे हैं, गांव भी उजाड़ रहे हैं, एक एक लोगों की एक एक इंच जमीन जा रही है। आप बता दीजिए यहाँ के जो लोग किसान कहाँ जाएंगे, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ पे अपनी माँ बहनों को कहाँ पे रखेंगे? ये सरकार सिर्फ किसानों का शोषण कर रही है, नौजवानों का शोषण करके उन्होंने उनको अग्निवीर में भेजने का 4 साल का काम किया। अब किसान को बर्बाद करने के एक मतलब तुल गई है सरकार, जो है कि अब इस किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जमीन तो हम लोग नहीं देंगे, हमको अगर खून बहाना पड़ेगा खून बहाएंगे। अगर ये सरकार हमसे लड़ना चाहती है तो हमको ईंट का जवाब पत्थर से देने आता है, हम जवाब देंगे निश्चित तौर पे, लेकिन अपनी जमीन को नहीं देंगे। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि आजमगढ़ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। पहले फेज में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों से बातचीत भी हो गई, जिन्होंने कहा कि किसानों का कहना है कि मामले का निस्तारण कर दें। निस्तारण जिसको लेकर सर्वे का काम चल रहा है, 80% काश्तकारों ने अपनी सहमति दे दी, जिस पर सरकार अधिग्रहण कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों का कोई विरोध नहीं है, आजमगढ़ एयरपोर्ट छोटे प्लेन के लिए बनकर तैयार हो गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण द्वितीय फेज में होना, जिसका सर्वे का काम चल रहा है। जो मौजूदा एयरपट्टी है उसमें कुल 71.35 एकड़ भूमि हमारे पास उपलब्ध है। अब इसमें 2 फेजेस में इसका विस्तारीकरण होना है। प्रथम फेज में हमको 360 एकड़ जमीन अतिरिक्त की आवश्यकता है, तथा इसके अतिरिक्त जो है द्वितीय फेज में 310 एकड़, कुल 670 एकड़ जमीन हमको सर्वे करना है। सर्वे के पश्चात जो वहाँ काश्तकार हैं उनसे नियमानुसार बैनामक कराया जाएगा, और अगर बैनामे से जो भूमि बच जाती है उसको अधिग्रहित किया जाए। सर कल कैसे सर्वे करते हैं? देखिए 80% काश्तकारों ने अगर हमको जमीन देने के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उस जमीन का सरकार अधिग्रहण कर सकती है। सर कब तक जैसे हो जाएगा? देखिए हमारा सर्वे चालू है, अब अभी तो हमारे एयरपोर्ट जो है छोटे प्लेन के लिए तैयार है, लेकिन तृतीय चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हो जाएगा, प्रथम चरण में उसका विकास होगा, 2 चरणों में होना है। अभी तो उसकी प्रारंभिक अवस्था है, जमीन का जो है हम लोग सीमांकन करा रहे हैं।
पहले चरण की देखिए, कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है। हम वहाँ पे गए थे, लोगों से बातचीत हुई है, लोगों के कहना है साफ सर्वे आप करा ले, हम लोगों के निस्तारण कर दें, हम लोग पूरी तैयार हैं। कब तक प्रक्रिया हो जाएगी? देखिए प्रक्रिया में टाइम लगता है, अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद ही जो है लोगों को उड़ान में अभी समय नहीं। उड़ान की अलग बात है, सर्वे और उड़ान दो विपरीत प्रोसेस है। उड़ान को तो एयरपोर्ट को जो है अथॉरिटी को देखना है और सर्वे जिला प्रशासन। प्रदेश सरकार परिवहन विभाग को सुधारने के लिए लाख प्रयास कर रही है। विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते व्यवस्था को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। आजमगढ़ जिले की एक तस्वीर ने पोल खोल कर रख दी, जहां यात्री बस को धक्का देते हुए नजर आए। वीडियो आजमगढ़ रोडवेज के सामने का जो अकबरपुर डिपो की बस का बताया जा रहा है। आजमगढ़ स्टेशन के सामने एक दिन पूर्व अंबेडकर डिपो का ड्राइवर जब बस स्टार्ट नहीं हो सकी तो वहां पर कर्मचारी व यात्री मिलकर धक्का देकर स्टार्ट किया गया। इस मामले में आजमगढ़ परिक्षेत्र के RM केसरी नंदन चौधरी ने कहा कि बसों की धक्का प्लेट की ये समस्या बैटरी से रिलेटेड है। बैटरी ना लगना, अल्टरनेटर नहीं काम करना, ऐसी स्थिति में वर्तमान में रीजनल वर्कशॉप में भी संबंधित डिपो में बैटरी का अभाव नहीं है। जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं वो स्टार्ट होकर जा रही हैं। समस्या मैकेनिकल हो सकती है, उसको समय से निस्तारित भी किया जा रहा है। आप धक्का प्लेट की बात कर रहे हैं, वो मूलतः आपकी बैटरी से रिलेटेड है, जिसमें बैटरी ना लगना, उसका अल्टरनेटर ना कार्य करना। ऐसी स्थिति वर्तमान में रीजनल वर्कशॉप में भी और आप संबंधित डिपोज में भी बैटरी का कोई अभाव नहीं है। जितनी गाड़ियां जा रही हैं वो आपकी सेल्फ स्टार्ट होके जा रही हैं। समस्या क्योंकि ये सभी मैकेनिकल डिवाइस हैं तो यदा कदा इसमें हो सकता है कभी सेल्फ फंस जाए, तो ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, तो उसको समय निस्तारित भी किया जाएगा। सोमवार को जिले में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह अवसर महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन की जयंती का प्रतीक है, जो उन सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा है, जो छात्रों में ज्ञान के अलावा मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जनपद स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्राचार्य ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम छोटे बच्चे की नर्सिंग इतनी अच्छी करें ताकि उन्हें आगे चलकर समाज के लिए फलदायी बन सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक यदि गलत व्यवस्था से जुड़ जाएं तो हमारी आगे की कई पीढ़ियां खराब कर सकता है। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने कई तरह के नए प्रयोग किए जिससे शिक्षा व्यवस्था को गति मिली। उन्होंने कहा कि पैशन को यदि प्रोफेशन बना लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आप अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें। जो शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे शिक्षकों ने बेहतरीन कार्य किया है, वैसे बहुत शिक्षकों ने किया है, जो 46 सम्मानित किए जा रहे हैं वहीं से सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी एक एंट्री आवेदित की गई थी कि आपने जो एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य किए हैं वो गूगल फॉर्म पर भेजिए, और उससे कमेटी द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया और 46 जो हमारे इसमें से बेस्ट शिक्षक चयनित होकर आए उसमें उन्हें जनपदीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, ताकि उनके कार्यों को एप्रिसिएशन मिले और इस प्रशंसा से और बेहतर करें और लोगों के लिए प्रेरणा बने। 191 एंट्री आए थे जिसमें 46 शिक्षक हमारे चयनित किए गए, और भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें आगे भी अन्य कार्यक्रमों में हम उन्हें सम्मानित करेंगे, और इन्हीं उद्देश्यों से इन शिक्षकों ने एकेडमिक उत्थान के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है, अपने विद्यालय को सुरुचिपूर्ण बनाया है, अपने कक्षा कक्ष को बहुत अच्छा कर रखा है, बच्चों के साथ अच्छा है, उनका एक व्यवहार भी अच्छा रहा है, बच्चों के एकेडमिक उत्थान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उन सारे शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 के मध्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जारी कार्य योजना के अनुसार विद्यालयों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 75 अध्यापकों एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 75 विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को सहायक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह द्वारा प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। उक्त कार्यक्रम सर्वोदय महिला डिग्री कॉलेज आजमगढ़ के सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक, समस्त ARP एवं पुरस्कार हेतु चयनित अध्यापक एवं अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। सहायक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार मिश्र ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से बच्चों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं की जा रही, इसलिए आज विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है। ये भी कहा कि आय से किसी का कद निर्धारित नहीं होता, कद हमेशा कर्म से निर्धारित होता है,
इसलिए सभी शिक्षक गण पूरी ऊर्जा के साथ काम करें और देश के लिए बेहतर भविष्य तैयार करें। विभाग में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर ढेर सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी के साथ साथ विद्यालय में भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कायाकल्प योजना भी चल रही है। इन्हीं दो मानकों पे जिन विद्यालयों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको आज उनके आकलन के आधार पे उनको सम्मानित करने के लिए 150 अध्यापक उपस्थित हैं और शिक्षक दिवस एक अच्छा अवसर था, इस अवसर पर उनको सम्मानित करने का प्रयास किया गया है। अब ये लोगों से आग्रह किया गया, आज तो निर्देश का दिन नहीं है, आज तो गुरुजनों से आग्रह का ही दिवस हो सकता है। आज इनसे निवेदन किया गया कि अपने विद्यालय को क्वालिटी एजुकेशन में जो मानक है निपुण लक्ष्य का, ऐसा लक्ष्य हासिल करके अपना गौरव और विभाग का गौरव बढ़ाने का काम करें। अमृत महोत्सव का अभियान नहीं है कि 75 सालों में देश ने ढेर सारी तरक्की किया, शिक्षा विभाग किस तरह से उसमें और योगदान दे सकता है, कैसे हम लोग जो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए समाज में शिक्षा विभाग किस तरह से प्राप्त कर सकता है, इसी अभियान को लेकर के हम लोगों ने अनवरत अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाया और उसी के चरण में आज उनको सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक व्यवस्था में 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नेहरू हॉल में मोदी 20 गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ता, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियरों, प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल, मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आर बी त्रिपाठी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा जिला उपाध्यक्ष अवनीश मिश्रा रहे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 20 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता से सीधा संवाद स्थापित कर कार्य कर रहे हैं। ये उनकी संकल्प शक्ति ही है। जहाँ कोरोना महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वहीं आज भारत ब्रिटेन को पछाड़ कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा तब भारत में ना तो पीपीई किट बनती थी और ना ही मास्क, लेकिन नरेंद्र मोदी के संकल्प से भारत ने पीपीई किट भी बनाई और मास्क भी बनाकर देश की जरूरत को पूरा किया। कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में लगवाई और साथ ही विश्व को तमाम देशों की मदद भी की। पूरे देश का विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर उतारने का कार्य किया। देश में बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। आज आजमगढ़ से लखनऊ 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, पहले पूरी रात सफर करना पड़ता था। आज भारत ने स्वदेशी युद्ध पोत को अपने बेड़े में शामिल किया। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है। आज स्वदेश निर्मित तेजस विमान की मांग पूरी दुनिया में है। आर्थिक सम्मेलन दावोस का उद्घाटन पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने किया, वह नरेंद्र मोदी थे। हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध शुरू हो गया, वहां फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने देशों से बात की और दोनों देशों ने भारत का तिरंगा देख गोलीबारी रोक दी। पाकिस्तान भी भारत का तिरंगा लेकर वहां से सुरक्षित निकल पाए। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 20 साल पूरे हुए हैं। इस 20 सालों में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल का अवसर मिला है और 3 बार उनको गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। उन्होंने विश्व के सामने अपनी कार्यशैली से, अपनी कार्य संस्कृति से, अपनी योजनाओं से, अपने सुधारों से उन्होंने विश्व को एक प्रभावित करने का काम किया है। तो आज उस मोदी एट 20 20 वर्षों पे पूरे होने पे हम एक जनपदों में, हर जनपदों में बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन और गोष्ठी कर रहे हैं, जिसपे हमारे मोदी जी के उस व्यक्तित्व के बारे में, उनके विजन के बारे में, उनके ड्रीम के बारे में, सपनों के बारे में, उनके नीड के बारे में, उनकी डिलीवरी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसलिए कि आज ये कोई चर्चा से, एक सार्वजनिक जीवन में जो उनका ऐसे तमाम पहलू हैं जिसको लोग नहीं जानते, मुख्यमंत्री के रूप में वो थे, जब प्रधानमंत्री बने और गुजरात उन्होंने छोड़ा, उस दिन उनके अकाउंट में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में 21 लाख रुपया था। वो 21 लाख उन्होंने दिल्ली अपने खाते में नहीं ट्रांसफ़र कराया, जो उनकी तनख्वाह थी, हार्ड मनी थी, उन्होंने गुजरात के उस मुख्यमंत्री
सचिवालय में कार्यालय में जो स्टाफ सरकारी थे उनकी बेटियों की शादी के लिए दे दिया, तो जो जीवन में अपनी तनख्वाह भी देश के लिए दे दे रहा हो, जीवन में इस तरह का त्याग हो कि जिसका जीवन केवल देश के लिए हो, समाज के लिए हो, तो आज उनके उन व्यक्तित्व की पहलुओं पे इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के और इस सम्मेलनों के माध्यम से हमने चर्चा की। $5 trillion की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमी हो। अभी उन्होंने इंग्लैंड की इकोनॉमी को पछाड़ के आज भारत को 5, जहाँ पे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, उस ब्रिटेन को पीछे करके उस दुनिया के 5 इकोनॉमी में भारत को ला के खड़ा कर दिया। आने वाले दिनों में 3 इकोनॉमी में उसको लाना चाहते हैं भारत के, तो विश्व की सबसे बड़ी 3 जो टॉप 3 इकोनॉमी, इसके लिए वो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे को, हाईवेज को और एयरवेज को, वाटर इनलैंड वेज को, इसको सबको एक प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना बना करके $1.5 trillion खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की एक ताकत सुपर पावर बनाना चाहते हैं। आजमगढ़ शहर के पंचशील मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा शिरकत करने पहुंचे। यहां पूरा कार्यक्रम बाबू जगदेव प्रसाद बिहार ललीन को समर्पित रहा। कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी की आजमगढ़ इकाई द्वारा आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में लगभग हजारों लोग बाबू सिंह कुशवाहा के विचारों को सुनने के लिए पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में मन से कई वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए बिहार लेलिन रहे बाबू जगदेव प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही मन से साझा करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने बिहार लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद के समाज के प्रति समर्पण, दलितों, पिछड़ों के प्रति लड़ी गई लड़ाई के बारे में लोगों को अवगत कराया। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि समाज में जितने जिसकी हिस्सेदारी उस हिसाब से उसकी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोगों को हमेशा दबाया गया, दलित और शोषित और पिछड़ों की जातिगत जनगणना के आधार पर देखा जाए तो वो उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन स्वर्ण समाज के द्वारा हमेशा हमारे लोगों का शोषण हुआ। मौजूदा सरकार में भी इसी हिसाब से काम किया जा रहा है। अब हमें अपने अधिकारों को जानना होगा और अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी होगी, तभी हमें समाज में बराबरी से भागीदारी मिल सकेगी। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सत्यराम मौर्य, संचालक त्रिभुवन प्रसाद मौर्य, जिलाध्यक्ष प्रेम नारायण मौर्य, महासचिव मनकु प्रसाद कुशवाहा, प्रांतीय अध्यक्ष राम सुधार मौर्य, रामजी मौर्य, मंडल प्रभारी दिनेश वर्मा के साथ जिला अध्यक्ष आनंद मौर्य व सदस्यगढ़ के लगभग 1000 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रसाद जी का शहादत दिवस 5 सितम्बर 1974 को, जब वो बिहार के कुर्था शहर में गरीब और कमज़ोरों की लड़ाई के का नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय एक पुलिस अधिकारी ने उस समय के सामंतशाही लोगों से मिलकर के उनको गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, जो पूरे प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, साथ में पूरे देश के लिए उससे बड़ी क्षति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए नहीं हो सकती है। आज हम उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, साथ में जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है इस देश के गरीब और वंचित तबके को, उस रास्ते में चलने का हम कोशिश कर रहे हैं और हम और लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है हक अधिकार लेने का, जो उनका नारा था 10 का 90 पे शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसी बात को पूरा करने के लिए आज हम सब लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, भागीदारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ली है बाबू जगदेव प्रसाद जी की विचारधारा से ली है, आज हम सब लोग उन्हें याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज शिक्षक दिवस भी है, आज के दिन में हमारे जितने भी शिक्षक लोग हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, समाज के मार्गदर्शक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को नई दिशा देने का काम करें। वर्तमान सरकार भी क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान सरकार जो चल रही है, आज बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहादत दिवस है उनका, आज हम लोग उसी बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा है। वर्तमान सरकार के बारे में किसी दिन और चर्चा करेंगे। अगर वर्तमान सरकार अगर ये बात मान लेती कि जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी आबादी उसको हिस्सा मिल जाए, तो शायद उस समय बाबू जगदेव प्रसाद को
शहादत नहीं देनी पड़ती और आज का जो पिछड़ा और दलित है उसे आंदोलित नहीं होना पड़ता। सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें अपना शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र में प्रसपा प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि सरायमीर थाने के नायब दरोगा और सिपाही ने 27 अगस्त की रात करीब 2 बजे प्रसपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष लतीफ अहमद के साथ दुर्व्यवहार किया और कारण उन्हें मारा पीटा भी, जबकि लतीफ अहमद सीने में दर्द होने के कारण अपने लड़के मोहम्मद हफीज तथा गाँव के मोहम्मद अजमल पुत्र बदरुसलाम मोहम्मद पुत्र असफर के साथ 2 मोटरसाइकिल से सवा करीम हॉस्पिटल सरायमीर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बीमारी के बाबत पुलिसकर्मियों से अवगत भी कराया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों द्वारा लतीफ अहमद के दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। प्रसपा जिलाध्यक्ष राम बिहारी यादव ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो प्रसपा आंदोलन के लिए बाध्य होगी। एक जिलाध्यक्ष है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के श्री लतीफ अहमद ग्राम इसरौली थाना सरायमीर के 27 तारीख को रात में वो तबीयत खराब थी, जा रहे थे दवा लेने, रास्ते में पुलिस वाले मिले, वो अपनी गाड़ी पर स्टिकर लगाए थे जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आजमगढ़ का, तो उसको छुड़ाने लगे तो मना किए, तो मना करने पर उसको मार दिए हैं लोग। वही हम आए थे माननीय वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ ज्ञापन देने, हम लोग पार्टी की तरफ से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसकी जांच करके उचित कार्रवाई हो, न्याय मिले प्रार्थी को। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के विभिन्न अभियानों को शहर से लेकर गांव तक पहुंचाने, टीकाकरण अभियान से लेकर गर्भवती महिलाओं को उचित इलाज दिलाने में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ साबित होने वाली आशा बहुएं आशा संगिनी मौजूदा समय में पिछले 5 महीने से अपने मानदेय और प्रोत्साहन राशि के न मिलने से बहुत दुखी है। आशा बहुएं, जिन्हें आशा कार्यकर्ता भी कहा जाता है, वो अपनी समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं होने और बार बार बजट का रोना रोने से अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर बुधवार को मानदेय के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई। आशा बहु आशा संगनी कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष संध्या सिंह ने कहा कि आशा बहुएं भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि अब वो गुस्से में हैं। वो अपनी समस्याओं को लेकर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कई बार अवगत करा चुकी हैं, अपना पत्रक भी सौंप कर शासन तक बात पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया रुकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीएमओ बार बार यही हवाला देते हैं कि बजट का अभाव है, जैसे जैसे बजट मिलता जाएगा भुगतान होता जाएगा। एक महीना पहले सीएमओ कार्यालय का घेराव किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें जनपद की समस्त सीएससी और पीएससी पर आशा और आशा संगिनी बहनों के मानदेय के संदर्भ में, जिसका कि 1 हफ्ते का हमको आश्वासन सीएमओ साहब द्वारा दिया गया था, लेकिन 1 हफ्ता छोड़िए 1.5 महीना बीत गया है और हमारी एक पुरानी मांग है जो कि पूर्व डीएम साहब थे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष हम लोग कई बार रख चुके हैं। विगत 4 वर्ष से प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का भुगतान पूरे आजमगढ़ जनपद में किसी भी संगनी बहनों का नहीं किया गया है। दूसरी मांगे हमारी है कि माह अप्रैल से अब तक पूरे जनपद में किसी भी ब्लॉक में हमारा पारिश्रमिक मानदेय, जिसमें आशा और आशा संगनी बहनें दोनों आती हैं, उनका नहीं हुआ है। इसके नाते हम लोग पहुँचे हैं भुखमरी के कागार पे, बहुत मजबूर हैं, अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारी से हम लोग पीड़ित हैं। इस नाते आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से अपनी गुहार लगाने आए हैं, देखते हैं कि महोदय। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़, आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन सीटें सीमित, जल्दी करें। होटल पार ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज
एंड नॉनवेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए चार चांद, होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है।